पीपल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग बात करेंगे सेक्शन 176 आईपीसी के बारे में। सेक्शन 176 आईपीसी हमें बताता है ओमिशन टू गिव नोटिस और इन्फॉर्मेशन टू पब्लिक सर्वेंट बाय पर्सन लीगली बाउंड टू डू इट। देखो यहाँ लीगली बाउंड है, अगर हम मेरे जैसा इंसान, आपके जैसा व्यक्ति, अगर कोई पर्सन लीगली बाउंड है किसी पब्लिक सर्वेंट को कोई इन्फॉर्मेशन देने के लिए, अगर कोई पर्सन लीगली बाउंड है, लॉ की तरफ से उसको बाउंड किया गया है कि भाई अगर ऐसा कुछ भी होता है तुम्हें इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है इस इंसान तक, पब्लिक सर्वेंट तक, तो इन्फॉर्मेशन या फिर कोई डॉक्यूमेंट, कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, इस तरह की चीजें अगर आपके पास प्रेजेंट है, आपको कोई इन्फॉर्मेशन पता है किसी क्राइम को लेकर के, किसी ऑफेंस को लेकर के, और अगर आप नहीं बताते हो तो उसके लिए भी सजा बताई है सेक्शन 176 आईपीसी में। तो आइए पढ़ते हैं कि हुएवर बीइंग लीगली बाउंड टू गिव एनी नोटिस और टू फर्निश इन्फॉर्मेशन ऑन एनी सब्जेक्ट टू एनी पब्लिक सर्वेंट। कोई भी इंसान अगर लीगली बाउंड है किसी तरीके का कोई नोटिस देने के लिए या कोई इन्फॉर्मेशन फर्निश करने के लिए, मान लो कि आपके बगल वाले घर में चोरी होने वाली है, ठीक है, होने वाली थी और आपको ये बात पता थी, ठीक है, कि इस घर में चोरी होने वाली है, और फिर भी आप जाकर के किसी पब्लिक सर्वेंट को इन्फॉर्म नहीं करते हो एज सच इंटेंशनली, और ये चीज आप इंटेंशनली करते हो, जानबूझकर करते हो, इंटेंशनली ओमिट्स टू गिव सच नोटिस और टू फर्निश सच इंफॉर्मेशन इन द मैनर एंड एट द टाइम रिक्वायर्ड बाय लॉ शैल बी पनिश्ड विद सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 1 month। कोई नोटिस या इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास है और अगर आप वो पब्लिक सर्वेंट तक नहीं पहुंचाते हो इंटेंशनली, व्हेन यू आर लीगली बाउंड टू डू इट एंड स्टिल यू डोंट डू इट, तो आपको 1 महीने की सजा मिलेगी, इम्प्रिजनमेंट विच मे एक्सटेंड टू 1 month और विद फाइन विच मे एक्सटेंड टू 500 rupees या 500 rupees तक का जुर्माना हो सकता है, या फिर दोनों चीजें, 1 महीने की इम्प्रिजनमेंट भी और 500 rupees तक का जुर्माना भी। ये हमारा हुआ पैराग्राफ 1। दूसरा पैराग्राफ कहता है और विद द नोटिस और इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय गिवन रिस्पेक्ट्स द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस। आपके पास किसी ऑफेंस की जानकारी है और आप अगर वो जानकारी देते हो किसी पब्लिक सर्वेंट को, मान लो पुलिस को जाकर के बताते हो, और आपके उस इन्फॉर्मेशन देने से उस ऑफेंस का कमीशन रुक सकता है, या जितना उसका नुकसान होना था, जितना उस ऑफेंस से नुकसान होना था, अगर आप बता देते हो तो वो नुकसान नहीं होगा, उतना नुकसान नहीं होगा। आपको कोई चीज पता है कि किसी का मर्डर होने वाला है और स्टिल आप नहीं बताते हो किसी पब्लिक सर्वेंट को जाकर के, व्हेन यू आर लीगली बाउंड टू डू इट, देन और इज रिक्वायर्ड फॉर द पर्पस ऑफ प्रिवेंटिंग द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस। यही मैंने आपको बताया कि आपके बताने से वो जो ऑफेंस है वो प्रिवेंट हो सकता है, रुक सकता है, लेकिन फिर भी अगर आप ऐसा नहीं करते हो, और इन ऑर्डर टू द एप्रीहेंशन ऑफ एन ऑफेंडर विद सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 6 months, ठीक है, तो 6 महीने तक की सजा मिलेगी, और आपके बताने से वो जो ऑफेंडर है उसको पकड़ा जा सकता है। आप मान लो आपको पता है कि वो ऑफेंडर कहाँ छुप करके बैठा है, ठीक है, और ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके पास है, और अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके पास होने के बावजूद भी इंटेंशनली आप पब्लिक सर्वेंट को नहीं बताते हो, सो यू विल बी पनिश्ड विद सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 6 months, 6 महीने की सजा मिलेगी, और विद फाइन विच मे एक्सटेंड टू 1000 rupees या 1000 तक का जुर्माना हो सकता है, या फिर दोनों चीजें, ठीक है। अब लास्ट पैराग्राफ है हमारा, और इफ द नोटिस और इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू बी गिवन इज रिक्वायर्ड बाय एन ऑर्डर पास्ड अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 565 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। अगर सेक्शन 565 सबसेक्शन 1 के अंडर कोई इन्फॉर्मेशन है आपके पास, अगर सेक्शन 565 सीआरपीसी सबसेक्शन 1 के अंदर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है और अगर आप वो इन्फॉर्मेशन किसी पब्लिक सर्वेंट तक नहीं पहुंचाते हैं, सो यू विल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 6 months, 6 महीने की सजा मिलेगी, वही सेम सजा है जो हमने ऊपर देखी कमीशन ऑफ ऑफेंस के लिए, और विद फाइन विच मे एक्सटेंड टू 1000 rupees, 1000 तक का जुर्माना हो सकता है, या फिर दोनों चीजें, फाइन भी और 6 months की इम्प्रिजनमेंट भी। तो आई होप आप लोगों को सेक्शन 176 आईपीसी समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।